मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस्टरडे यू शुड लर्न अबाउट आवर चेंजिंग अर्थ। कल हम लोग अपने पृथ्वी के सतह में कैसे कैसे बदलाव होते हैं, वोल्केनोज के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा या अर्थक्वेक के द्वारा, भूकंप के द्वारा, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया था। आज पेज नंबर 129 में दिया हुआ है, आप लोग देखोगे डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन। व्हाट इज डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन, ये क्या है? द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंटिन्यूसली अंडर गोइंग चेंजिंग। पृथ्वी की सतह के ऊपर हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है। हम लोग भी देखते हैं, रनिंग वाटर जब वर्षा होती है तो हम लोग देखते हैं कि सड़कों पर, फील्ड में पानी जो है ढलाव की ओर रनिंग करता है। मूविंग आइस, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर आइस जो है, बर्फ के भंडार, ग्लेशियर्स धीरे धीरे स्लोली नीचे की ओर मूवमेंट करते हैं। विंड, जोरों की आंधियां चलती हैं, हवाएं चलती हैं। एंड वेव्स, जिसको तूफान कहते हैं, आर द एजेंट ऑफ ग्रेडिएशन। इसी को हम लोग, ये हमारे इसी कारण से ग्रेडिएशन की क्रिया होती है, विच कंटिन्यूसली वियर डाउन द लैंड सरफेस, जो कि वियर डाउन पृथ्वी की सतह को, लैंड सरफेस को इधर से उधर चेंजिंग करता रहता है। एंड कैरी द ब्रोकन फ्रेगमेंट्स, और जो भी चीज टूटते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर, चट्टान के टुकड़े टूटते हैं, रनिंग वाटर में मिट्टी बहते हैं, मिट्टियां जो हैं कटकर आगे जाती हैं, हवा में भी मिट्टी एक जगह से तूफान में मिट्टी उड़ती है और दूसरे जगह जाकर जमा होती रहती है। विच आर डिपोजिटेड इन लो लाइंग एरिया, और वह जाकर जहां पर लो लैंड होता है, नीचे वाली भूमि होती है, वहां पर जाकर एकत्रित हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ हाइट ऑफ लैंड फॉर्म इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। इसी को हम लोग डिग्रेडेशन कहते हैं। एक जगह की जो ऊंचाई थी, जहां मिट्टी ऊंची दिखाई दे रही थी, वहां की मिट्टी पानी में बहकर दूसरे जगह जमा हो गई, लो लैंड में, नीचे वाली भूमि में। एक जगह की जहां ऊंची चट्टाने दिखाई दे रही थी, वहां आइस के द्वारा वह टूटकर दूसरे जगह जमा हो गए। इस तरह को हम लोग डिग्रेडेशन करते हैं। सॉरी फॉर द ऑफ ऑफ लाइट, अरे लाइट कट गया है, ऐसे कैसे पड़ा इरोडेड फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड एग्रेडेशन। और
जहां जाकर वह मटेरियल चाहे मिट्टी हो चट्टान के टुकड़े हो जमा होते हैं उसी को हम लोग डिग्रेडेशन कहते हैं। क्लियर। डिग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन आर द टू वे विच आर कंटिन्यूअसली एट वर्क क्रिएटिंग डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस। ये दोनों क्रियाएं जहां जहां भी भूमि वाला अलग अलग क्षेत्र है वह लगातार अपने काम को करते रहते हैं। वेदरिंग टेक प्लेस एज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू प्रोग्रेसिवली स्मॉलर पीसेस बाय द इफेक्ट ऑफ वेदर। बड़े बड़े चट्टान वेदर के कारण मौसम के कारण हमेशा वेदरिंग होते रहते हैं टूटते हुए बिखरते रहते हैं। दी पीसेस डू नॉट मूव टू ए न्यू लोकेशन। टूटकर और वह वही स्थिर रहते हैं। दे सिंपली ब्रेक डाउन बट रिमेन नेक्स्ट टू वन अनदर। धीरे धीरे सब टूटते जाते हैं। इट इज मोस्ट कॉमन एट द सरफेस वेयर एक्सपोज बेड रॉक मीट्स द एटमोस्फेयर। हाउएवर इट कैन एक्सटेंड मेनी थाउजेंड्स ऑफ फीट डाउनवर्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट। Following cracks, fissures and microscopic holes that hollow water to penetrate। कहने का अर्थ है कि वेदर के कारण हमारी चट्टानों में दरारें पड़ती रहती हैं, भूमि में दरारें पड़ती रहती हैं, या छोटे छोटे होल होते जाते हैं, उसमें जब भी वर्षा होती है वह पानी जो है छोटी छोटी बूंदे नीचे की ओर उस चट्टान के होल में या पृथ्वी के सतह के होल में धीरे धीरे वह नीचे की ओर चले जाते हैं। इरोजन, अब पढ़ेंगे हम लोग वाटिक इरोजन। इरोजन क्या किया है? असर से जो हमारे चट्टान टूटते हैं उसी को हम लोग इरोजन कहते हैं। द मेजर इरोजनल एजेंट्स कंटिट्यूट विंड, जो सबसे प्रमुख इसके कारण है वह है हवा, वाटर, पानी एंड आइस और ऊंचे ऊंचे पर्वतों से जो धीरे धीरे बर्फ नीचे डाउन वॉश आते हैं। डाउन स्लोप क्रीप ऑफ सॉयल, नीचे जैसे जैसे आते हैं हमारी मिट्टी को काटते चलते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वह डिपेंड करता है कि उसमें कितने फोर्स है, कितने बल लग रहे हैं। एंड ड्यूरिंग एनिमल्स, और उसके साथ साथ बहुत से जानवरों के अवशेष भी जो है आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दिस प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम वेदरिंग, या वेदरिंग के प्रोसेस से अलग कहलाता है। एंड वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल, वेदरिंग जो है केमिकल की क्रियाएं होती हैं, और फिजिकल ब्रेकिंग डाउन और तोड़ने की प्रक्रियाएं से जो शुरू होती है। मिनरल्स इन द रॉक्स, जो कि चट्टानों में जाकर हमारे केमिकल्स कई तरह के रासायनिक पदार्थ
पाए जाते हैं। अब है सेकेंड वर्क ऑफ रिवर्स, नदियों का पानी किस तरह से काम करता है। रिवर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन। नदी का पानी बहुत बड़ा काम करता है हमारे डिग्रेडेशन में, यानी कि एक जगह के कटाव करने में। द वर्क ऑफ द रिवर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, ये दो तरह के फैक्टर पर निर्भर करता है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी की मात्रा नदियों में कितनी है। एंड द स्लोप ऑफ द रिवर बेड, और नदियों का पानी किधर स्लोप की ओर बढ़ता चल रहा है। एंड द रिवर फ्लोज थ्रू माउंटेनस रीजन, अगर नदी का पानी सीधे माउंटेन से चली आ रही है। इट हैज ग्रेट इरोसिव पावर, तो उसमें जो इरोसिव पावर है यानी कि एक जगह के चीजों को तोड़ने की जो पावर है वह अधिक होती है। ए कॉमन फीचर्स इट फॉर्म्स इन द आई सेप वैली, जो कोई हमें आई सेप वैली का निर्माण करता है बिल्कुल सीधा वह पानी जो है जो आता है घाटी की ओर, इसी को हम लोग आई सेप वैलीज कहते हैं। डीप स्टीप साइड्स वैलीज आर कॉल्ड गॉर्जेस, अब वह पानी अपने अगल बगल जहां पानी आकर एकत्रित होता जाता है वहां डीप बनाता जाता है, गहरा बना जाता है, उसको भी हम लोग गॉर्जेस कहते हैं। ये भी घाटी ही कहलाता है और कैन्यन्स करते हैं। When the river tumbles at steep angles over very hard rocks, it forms waterfalls. और जहां पर काफी कठोर चट्टान पाए जाते हैं वहां माउंटेन पर के आते हुए पानी जल्दी वहां के चट्टानों को तोड़ नहीं पाते हैं, अतः वह पानी वहीं से डायरेक्ट नीचे की ओर काफी गहरे क्षेत्र में गिरता रहता है, उसी को हम लोग वाटरफॉल्स कहते हैं, झील कहते हैं। वेयर द वाटर प्लंगेज डाउन फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, काफी ऊंचाई से पानी आकर नीचे की ओर गिरता है, जमा होता जाता है। वाटरफॉल्स हैव ग्रेट वैल्यू, इसका काफी वैल्यू माना जाता है, कीमती माना जाता है, वैल्यूबल है। एंड दे हेल्प इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यह हमारी पनबिजली योजना जिससे हमें बिजली उत्पादन होता है उसी ग्रेट हाइट से जो पानी नीचे की ओर गिरता है उसमें काफी करेंट पाए जाते हैं, उसी करेंट को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि पनबिजली योजना के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, एज द रिवर इंटर्स द प्लेन्स, जब नदी का पानी घाटियों से बहते हुए जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों के नीचे जो घाटियां होती हैं वहां से बहते हुए जब वह पानी प्लेन्स की तरफ जाता है, समतल भूमि की तरफ बहता है, इट फॉर्म्स कर्व्स, तो वह कर्विंग रूप में चलता है। एंड लार्ज बेड्स और लुक्स कॉल्ड विंडर्स, और वह पानी अगल बगल क्षेत्र से होते हुए काफी चीजों को इरोजन करते हुए बहता जाता है। इन ड्यू कोर्स द मिंडर्स बिकम वाइडर, जो पानी बहने का क्षेत्र जाकर जहां जमा होता जाता है उसी को मिंडर्स कहते हैं, और वह वाइडर होता जाता है यानी काफी चौड़ा होता जाता है।
हम लोग देखते हैं कि नदियों का जो प्लेन क्षेत्र में नदियों का जो एरिया होता है वह काफी चौड़ा रूप में पाया जाता है ड्यू टू कॉन्स्टेंट इरोजन, क्योंकि हमेशा नदी के किनारे का भाग धीरे धीरे इरोजन होता चलता है और नदी का जो चौड़ाई है, नदी के बहाव, पानी के बहाव का जो क्षेत्र है वह बढ़ता जाता है। एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड, वह पानी जाकर साइड पे जहां जहां भी दौड़ता है वहां वहां वह पानी अपना फुल कर देता है, फिल कर देता है, भर देता है। When the loops become too sharp, जब the meanders cuts off from from the main river forming a lag, तो वहां जाकर बहुत बड़ा लैग का निर्माण कर देता है, झरना से होते हुए झील बन जाता है, कॉल्ड द ऑक्स बो लैग, उसी को हम लोग ऑक्स बो लैग भी कहते हैं। एज द रिवर फ्लोज अलोंग विथ इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वाटर, इट ऑफ्टन ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स कॉजिंग फ्लड्स इन द नेबोरिंग एरिया, जिसके वजह से जब वहां का पानी ओवरफ्लो होने लगता है तो वह आसपास के क्षेत्रों में फ्लड ला देता है, यानी कि बाढ़ ला देता है। दिस लीड्स टू द डिपोजिशन ऑफ लेयर्स ऑफ फाइन सेडिमेंट्स अलोंग द बैंक्स फॉर्मिंग फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स, उसी क्षेत्र को हम लोग बाढ़ से घिरा हुआ समतल भूमि का क्षेत्र कहते हैं। द स्लाइटली रेस्ड रिवर बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज, और जहां पर हल्के पानी का भाग जो है ऊपर चला आता है उसको हम लोग लेवीज कहते हैं। एक पिक्चर भी दिया हुआ है, इस फोटो को भी देखकर हम लोग समझ सकते हैं इस तस्वीर को कि किस तरह जो है पानी का बहाव काम करता है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी,